Hi, today हम लोग यहाँ पे आ गए हैं. This is the fly rope store. I think for starters, मैं आपको बता दूँ कि मैंने कौन कौन से select किए हैं. Oh yeah, this one. Yeah, so they've selected this one for me. This is a new design. And उसके बाद जो मैंने एक पीछे दिखाया, that is one. और एक मैंने select किया है, वो है यहाँ पे. This is the one. It's time to wear 3D flowers. ठीक है, so आप देख सकते हैं. So this is another one that I'm going to try. So we took the first step. So रोका हुआ है. इस साल नहीं, इस साल अगले साल है. जो भी अभी डेट या ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है कि मैं आपको बता सकूँ और एनीथिंग. वो फैमिलीज आपस में डिस्कस करेंगे एंड जब होगा तो ऑब्वियसली वी विल डिस्क्लोज दैट. मैंने पहला ड्रेस पहन लिया एंड ये वो केप स्टाइल ड्रेस है जो इन लोगों ने मेरे लिए सिलेक्ट किया था एंड आई थिंक बहुत ही अच्छा चॉइस है बिकॉज बहुत अच्छा लग रहा है. अब मैंने पहन लिया है येलो कलर जो कि भी मेरा बहुत फेवरेट कलर है एंड आप देख सकते हैं मतलब मैंने ये लहंगा पहना है. मुझे नहीं लग रहा कि मैं यहाँ आई हूँ, मेरा ही लहंगा लग रहा है. इट्स पूरा मेरे साइज़ का है एंड द कलर इज़ वेरी नाइस. यू नो जो दो कलर्स का कॉम्बिनेशन है पिंक एंड द येलो, इट्स वेरी नाइस. इन फैक्ट इट्स गॉट अ वेरी प्रिटी बैक ऑल्सो. दिस वन आई थिंक फॉर मेहंदी एंड मेहंदी एंड हल्दी. हाँ, सो अब थर्ड ट्राई करने जा रहे हैं हम. सो हम बस मैं जाके देखती हूँ, आई विल जस्ट सिलेक्ट वन क्विकली. मेरा थर्ड आउटफिट और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही लाइट और एलिगेंट आउटफिट है. तो मैं इमेजिन करूँगी वेयरिंग दिस फॉर माय मेहंदी सेरेमनी. मैं अपना फोर्थ लुक पहनने जा रही हूँ जो कि है एक शरारा का लुक एंड मैं हमेशा से पहनना चाहती थी तो आई एम जस्ट वेरी ईगर कि मैं पहन के देखूँ कि कैसा लगता है वो, यू नो. तो अब देखते हैं, वो लास्ट लुक है, सो लेट्स सी. मेरा फाइनल लुक है जो कि है शरारा का लुक और आप देख सकते हैं कितना प्रिटी कलर है. इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑरेंज एंड पीच, आई थिंक वो मिक्सचर है. आपको इसके साथ कोई ज्वेलरी पहनने की ज़रूरत नहीं है. नहीं? हम साथ में काम कर रहे थे ऑन सूर्यपुत्र कर्ण एंड दैट्स वेर वी मेट एंड ऐसा कुछ बहुत रॉकेट साइंस टाइप का नहीं है बताने के लिए बिकॉज इट्स लाइक एनी अदर नॉर्मल रिलेशनशिप. जो डेस्टिनी होती है जब लोगों को मिलना होता है तो फिर वो कहीं से भी कहाँ से भी मिल लेते हैं आके. Rightly so, he was playing a nice character called Karan and I was playing Draupadi, so I think that's how we met and uske baad se things have been like jaise ki har jagah hota hai normally. So aisa hi tha, hamara bhi kuch aisa out of the blue ka jaake kuch nahi tha. Main pehli baar main actually us time Razia kar rahi thi but set same tha. तो ये नहीं पता था मुझे कि रज़िया और कर्ण एक उमरगांव में ही हो रहे थे. तब हम पहली बार मिले थे बट सिर्फ दूर से हाय हेलो था एंड पता नहीं था कि मैं कर्ण ज्वाइन कर लूँगी उसके बाद. सो दैट्स हाउ थिंग्स हैपन. आपको पूरी दुनिया को, सास बहू साजिश को भी बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी फॉर दिस एक्सपीरियंस. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, आई थिंक फॉर स्पेशली फॉर अ गर्ल. अच्छा लगता है व्हेन यू ट्राई दीज आउटफिट्स एंड इट फील्स रियली नाइस. सो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड डेफिनेटली जो भी जैसा भी होगा वील कीप एवरीबडी अपडेटेड. ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे.